Good morning, students. Students, this is an English class. Take out your English book, page number 10. Shabash, in your English book, take out page 10, unit 2. These are the exercises of unit 2. In this video, we will do exercise C. Put a tick mark on exercise C for you. Okay, what is the exercise about? This is a fruit crossword. The exercise is about crosswords and then its name is fruit crossword. Okay, this is a new exercise for you. Look at this picture. This is a picture of crossword. This is a box, and in this box there are some columns. देखिए ये एक बॉक्स है, इसमें आप लोगों के लिए कॉलम्स बनाई गई हैं. कुछ कॉलम्स जो हैं वो अक्रॉस है. अक्रॉस मींस इस तरह स्ट्रेट हैं, हॉरिजॉन्टल शेप है इसका. अक्रॉस मींस जिस जो ऐसे हैं, इस साइड पर इनका शेप है, ठीक है. दीज आर अक्रॉस लाइंस. एंड और कुछ जो बॉक्सेस हैं वो आप लोगों के लिए डाउनवर्ड हैं, इस तरह वर्टिकली बनाई गई हैं, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, ठीक है. In the crossword, this is a puzzle type question. A crossword means puzzle, a game sa hai, theek hai, jisme kuch columns aap logo ko across straight lines ke zariye bana kar dikhai gayi hain, khali empty boxes hain, theek hai. Kuch downward niche ki taraf is tarah vertically dekhe, look at my pencil, is tarah boxes bana kar dikhai gayi hain aapko. और फिर उस इन बॉक्सेस में कुछ पर वर्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, अप टू 8. 8 वाइट कॉलम्स इसमें बनाई गई हैं. 8 जो हैं, जहाँ जिस वर्ड के सामने जहाँ पर लिखा है 1, तो वहाँ पर वो बॉक्स जो है वो वाइट हो जाता है, वो वाइट है, ठीक है. जहाँ पर नंबर है, देखिए 1, तो इसके नीचे ये बॉक्सेस वाइट कलर की हैं. 2, तो इधर भी ये बॉक्सेस वाइट कलर की हैं. 3, तो यहाँ पर भी ये वाइट कलर हैं. इट मींस कि इन वाइट बॉक्सेस में आप लोगों ने करेक्ट नेम लिखना है. एंड द क्वेश्चन इज अबाउट फ्रूट क्रॉसवर्ड. फ्रूट क्रॉसवर्ड, देयर आर सम नेम्स ऑफ द फ्रूट्स गिवन टू यू इन दिस बॉक्स. इस बॉक्स में आप लोगों को 8 फ्रूट्स के नेम बनाकर दी गई हैं. अभी ये वर्ड्स सारे, ये फ्रूट नेम्स हम पढ़ेंगे. इधर से ही आप लोगों ने देखना है, ठीक है. यहीं से आप लोगों ने क्लूज गेस जो है यहाँ से लेना है, ठीक है. आप लोगों को ये एज अ गेस पहले से बता कर दी गई हैं, ठीक है. आप लोगों ने इन्हीं को जहन में रख कर ये क्रॉसवर्ड्स फिल अप करने हैं. ये वाइट ब्लॉक्स जो हैं, ये आप लोगों ने इन्हीं फ्रूट्स को जहन में रख कर ये फिलअप करनी है, ठीक है. नाउ मेरे साथ ये वर्ड्स पढ़े, रीड दीज फ्रूट नेम्स. द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉबेरी, STRAW, स्ट्रॉ, BERRY, स्ट्रॉबेरी, ठीक है. आजकल मौसम भी है ना स्ट्रॉबेरीज का, सीजन चल रहा है. The next word is orange, ORANGE, orange. Orange means Malta. The third is lemon, LEMON, lemon. Lemon means limu. The fourth word is banana, BANANA, banana. You can also say banana. Kela, theek hai, kela. Next word is grape, GRAPE, grape. अंगूर. लाइम, LIME, लाइम इज द नेक्स्ट वर्ड, LIME, लाइम. लाइम भी एक लीमू की टाइप है, जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है. वो लीमू या नींबू जो साइज में बड़ा होता है थोड़ा, और उसका कलर ग्रीन, येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है. एप्पल, APPLE, एप्पल. सेब, PEACH, peach. Peach means shaftalu, PEACH, peach. And the last word is pear,
पी ई ए आर पेयर, पेयर कहते हैं नाशपाती को, पी ई ए आर पेयर. ओके, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स विच यू विल पुट इन दीज वाइट बॉक्सेस. आप लोगों ने गौर से पहले इनके बारे में ये क्लूज पढ़ने हैं. यहाँ पर आप लोगों को नंबर वाइज कुछ सेंटेंसेस बना कर दी गई हैं. हम पहले ये सेंटेंस रीड आउट करेंगे, ठीक है? हम पहले ये सारे सेंटेंसेस अक्रॉस जो स्ट्रेट लाइन में दी गई हैं वो नंबर्स के बारे में ये सेंटेंसेस पहले हम पढ़ेंगे, फिर डाउन जो नीचे की तरफ जो एरो किया गया है, नीचे की तरफ जो नंबर्स दिए गए हैं, फिर उनके बारे में हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे और इन्हीं सेंटेंसेस को गौर से पढ़कर फिर हमारे जहन में इधर से ही एक फ्रूट आएगा, इधर से ही हम फ्रूट नेम सेलेक्ट करके इन बॉक्सेस में सही जगहों पर डाल देंगे, ठीक है? एक्सरसाइज इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग बट वी विल ट्राई टू डू इट, ठीक है? आप लोग कन्फ्यूज ना हो, हम इसे अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे. अक्रॉस, अब यहाँ पर वर्ड है अक्रॉस. मैंने पहले भी स्टार्ट में भी आपको बताया कि अक्रॉस जो इस टाइप के ऐसी लाइंस जो हैं, दीज आर कॉल्ड अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है? अब अक्रॉस में हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर है 3. अक्रॉस में फर्स्ट वन नंबर है 3, और इस पज़ल में भी, इस क्रॉसवर्ड में भी 3 नंबर दिया गया है और उसके सामने 4 वाइट बॉक्सेस हैं. देखिए, ये वाला आपके लिए पहले से हो चुका है, बट हम इसके बारे में ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं. नंबर 3, आई लुक लाइक अ लेमन. मैं बिल्कुल लीमू की तरह दिखाई देता हूँ. बट आई एम ग्रीन, लेकिन मेरा कलर ग्रीन है. आई लुक लाइक अ लेमन, मैं लेमन की तरह दिखाई देता हूँ, नींबू की तरह, लीमू की तरह. बट आई एम ग्रीन, लेकिन मेरा कलर ग्रीन होता है. अब देखिए, ये नंबर 3 आप लोगों के लिए पहले से हो चुका है. इधर 3 पर आप लोग फिंगर रख दें, नंबर 3 पर. LIME, लाइम, पहले से ये हो चुका है. LIME, लाइम. दैट सेंटेंस इज अबाउट द लाइम. वो आप लोगों के लिए क्रॉसवर्ड में, इस पजल में पहले से लिखा है. नंबर 3 के सामने फिंगर रखे, 3 पर. LIME, लाइम. एंड द सेंटेंस इज अबाउट द लाइम. आई लुक लाइक अ लेमन बट आई एम ग्रीन. एग्जैक्टली, दैट इज अ लाइम. ये लाइम की बात हो रही है, ठीक है? अब इस एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए हम नंबर 4 की जानिब बढ़ेंगे. नंबर 4, मेरे साथ ये सेंटेंस पढ़े. आई साउंड मीन्स आवाज. आई साउंड लाइक बेयर. बेयर पढ़े मेरे साथ, बेयर, बी ई ए आर, बेयर. अब यहाँ पर नंबर 4, नंबर को देखिए, आप लोगों के लिए 4 लिखा हुआ पहले से और उसके सामने ऐसी अक्रॉस हॉरिजॉन्टली 4 जो वाइट कॉलम्स हैं वो पहले से दी गई हैं. अब आई साउंड लाइक अ बेयर, मेरी, अब देखिए, मेरी आवाज़ बेयर की तरह है. आई साउंड लाइक बेयर, मैं, मतलब ये फ्रूट कह रहा है कि जब कोई मुझे पढ़ता है, मेरा नाम लेता है, तो मैं बेयर की तरह, मेरी साउंड बिल्कुल बेयर की तरह हो जाती है. ये एनिमल बेयर की आवाज़ की बात नहीं हो रही, वर्ड बेयर की, बी ई ए आर, बेयर. कैसी साउंड है इसकी, बेयर. और हमारे पास इधर देखे वो फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, लेमन, बनाना, ग्रेप, लाइम, एप्पल, पीच, पेयर. यस, दैट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड, पेयर. पेयर साउंड्स लाइक अ बेयर. मेरे साथ पढ़े, बेयर, पेयर, बेयर, बी ई ए आर, बेयर, पी ई ए आर, पेयर. यस, वेरी गुड. इन दिस नंबर 4 राइट डाउन पेयर, पी ई ए आर, पेयर. इस नंबर 4 के सामने शाबाश. इन 4 वाइट बॉक्सेस में लिखे पेयर, पी ई
ए आर पेयर. आई साउंड लाइक अ बियर. द वर्ड इज द नेम ऑफ द फ्रूट इज पेयर. ओके मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. सिक्स. नंबर सिक्स. व्हाट इज द सेंटेंस? मंकीज लाइक टू ईट मी. मंकीज लाइक टू ईट मी. मंकीज मीन्स बंदर. बंदरों को मैं खाना बहुत पसंद हूँ. बंदर जो है मुझे खाना पसंद करती हैं. विच वर्ड फ्रूट इज टेलिंग दैट सेंटेंस? कौन सा फ्रूट ये कह रहा है कि मंकीज लाइक टू ईट मी? यस एग्जैक्टली बनाना. बनाना इज द फ्रूट विच मंकीज लाइक द मोस्ट. मंकीज को सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट पसंद है? बनाना पसंद है. उन्हें केला बहुत ज़्यादा पसंद होता है. मंकीज केले बहुत शौक से खाते हैं. अब हम इस क्रॉसवर्ड में नंबर सिक्स ढूंढेंगे. यस हेयर इज नंबर सिक्स. लुक हेयर इज नंबर सिक्स देयर. एंड हाउ मैनी बॉक्सेज आर एम्प्टी इन फ्रंट ऑफ सिक्स? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. देयर आर फोर देयर आर सिक्स एम्प्टी बॉक्सेज इन फ्रंट ऑफ नंबर सिक्स. वी विल राइट द वर्ड बनाना हेयर. राइट विद मी. मेरे साथ लिखे बी ए एन ए एन ए. हम इन खाली बॉक्सेस में बनाना का स्पेलिंग या बनाना का स्पेलिंग लिख लेंगे. ठीक है केला. नंबर सिक्स जहन में रखे यहाँ से ये वर्ड्स. सिक्स सिक्स सेंटेंस इज टेलिंग द दैट मंकीज लाइक टू ईट मी. यहाँ पर हमने बी ए एन ए एन ए स्पेलिंग लिख लिया है बनाना का. अब देखिए नंबर सेवन. व्हाट इज नंबर सेवन? I can be a black or green bunch. अब इन फ्रूट में से एक एक अगला फ्रूट ये बात कह रहा है. I can be a black or green bunch. मैं ब्लैक या ग्रीन काले या सब्स कलर का एक गुच्छा हो सकता हूँ. कल भी हमने जब पढ़ा था ना एप्पल के बारे में, जब हम यूनिट पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि एप्पल्स की भी बंचेस हो सकती हैं, गुच्छे हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर्स में ये फ्रूट हो सकता है. और एग्जांपल मैंने किस चीज़ की दी थी? यस आई हैव द एग्जांपल. आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ ग्रेप्स. मैंने आप लोगों को ग्रेप्स की, अंगूर की मिसाल दी थी ना कि अंगूर एक ऐसा वर्ड है जिसके स्मॉल स्मॉल ज़्यादा ये जो फ्रूट्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स कलेक्टिवली वो एक बंच बना देते हैं, एक गुच्छा सा बना देते हैं अंगूर. I can be a black or green bunch. What is this fruit? What is the sentence about? The sentence is about the grape. ठीक है, यहाँ से हमने grape का word select कर लिया है. अब puzzle में देखे crossword में where is number सेवन? Here it is. यहाँ पर है हमारे पास number सेवन. हम उसके सामने लिख लेंगे grapes. G R A P E grape. अंगूर. अंगूर एक ऐसा फल है जो गुच्छों की शक्ल में होता है, गुच्छे की शक्ल में. उसे ट्री से काट देते हैं, फिर हम वो लेकर आते हैं और खाते भी हैं. उन बंचेस से हम एक एक ग्रेप्स अलग करते हैं और वो ईट करते हैं, खाते हैं. नंबर सेवन के सामने लिखिए ग्रेप. जी आर ए पी ई ग्रेप. शाबाश. राइट. ओके मूविंग टूवर्ड्स नंबर नेक्स्ट एट. अक्रॉस में मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस में नंबर एट द लास्ट वन है. ठीक है, अब ये कौन सा फ्रूट ये बात कह रहा है? दीज आर द टॉकिंग्स ऑफ, दीज आर द साउंड्स ऑफ द फ्रूट्स. ये फ्रूट्स की बातें हैं. ठीक है, ये फ्रूट कह रहा है आई एम अ कलर एंड ऑल्सो अ फ्रूट. अब ये वाला फ्रूट कह रहा है कि आई एम अ कलर, मैं एक रंग भी हूँ. मेरा नाम जो है वो एक कलर का नेम भी है. एंड ऑल्सो अ फ्रूट, और मैं एक फल भी हूँ. कैन यू टेल मी? यस ऑरेंज. ठीक है, ऑरेंज इज अ फ्रूट. ये फ्रूट भी है और एक कलर का नाम भी है ऑरेंज. ठीक है, नाउ क्रॉसवर्ड में नंबर एट देखें. हियर इज नंबर एट. और उसके सामने इन एम्प्टी वाइट बॉक्सेस में लिखी ऑरेंज. ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज.
आई एम अ कलर एंड ऑल्सो अ फ्रूट. मैं एक कलर भी हूँ और फ्रूट भी हूँ, एक पल भी हूँ और एक रंग, एक कलर का भी नेम हूँ. दैट इज़ एग्जैक्टली, दैट इज़ ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज. ओके स्टूडेंट्स, अब हम डाउनवर्ड जाएंगे. लुक डाउन. अब डाउन जाएंगे मतलब इस पज़ल में हम नीचे की तरफ आएंगे. अभी हम इस तरह इस डाउनवर्ड एरो को देखे इस तरफ नीचे की तरफ लाइंस में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या नंबर हमें कौन से फ्रूट के लिए बताए गए हैं. डाउन में नंबर वन देखिए, शाबाश मेरे साथ. आई कैन बी रेड और ग्रीन. मैं रेड और ग्रीन कलर का हो सकता हूँ. विच फ्रूट इज सेइंग द सेंटेंस, विच फ्रूट इज टेलिंग दीज वर्ड्स. आई कैन बी रेड और ग्रीन. मैं रेड और ग्रीन कलर का हो सकता हूँ. यस एप्पल, एप्पल इज सेइंग दीज वर्ड्स दैट आई कैन बी रेड और ग्रीन. हमने यूनिट में भी पढ़ा था ना कि एप्पल रेड और ग्रीन कलर की हो सकती हैं, येलो एप्पल्स भी होती हैं. अच्छा अभी हम इस पजल में क्रॉसवर्ड में नंबर वन ढूंढेंगे. हेयर इज नंबर वन. लुक देयर इज दैट वन इज नंबर वन एंड वी आर गोइंग टू राइट द स्पेलिंग ऑफ एप्पल हेयर. राइट विद मी, ए डबल पी एल ई. अब हम डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है. ये स्पेलिंग लिखते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि इस इधर अक्रॉस में अब हमें वाइट बॉक्सेस नहीं बना कर दी गई हैं. अब हमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ वाइट बॉक्सेस बना कर दी गई हैं. ए डबल पी एल ई एप्पल. नंबर वन इज एप्पल. आई कैन बी रेड और ग्रीन दैट इज एन एप्पल. एन एप्पल इज सेइंग दीज वर्ड्स. अच्छा अब है नंबर टू. आई एम रेड एंड जूसी. मैं रेड और जूसी हो सकता हूँ. विच फ्रूट इज सेइंग दीज वर्ड्स. आई एम रेड एंड जूसी. मेरा कलर रेड है और जूसी भी हूँ, जूस से भी भरा हुआ हूँ. मैं रस भरा हूँ और कलर मेरा रेड है. अब ढूंढे क्रॉसवर्ड में नंबर टू. लुक दिस इज नंबर टू, दैट वन इज नंबर टू. लुक पुट योर इंडेक्स फिंगर हेयर एंड विच फ्रूट इज सेइंग. स्ट्रॉबेरी इज सेइंग दीज वर्ड्स दैट आई एम रेड एंड जूसी. मैं कलर में रेड हूँ और जूसी हूँ. स्ट्रॉबेरी. राइट द स्पेलिंग विद मी, एस टी आर. अच्छा अब देखें पेयर का आर पहले से इधर लिखा हुआ है, पी ई ए आर का. अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जिसके मिड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ऑलरेडी लिखी गई होंगी इस पज़ल में. इस पज़ल में वो हमें पहले से वो वर्ड्स मिलेंगी. एस टी हमने लिखा आर पहले से है. अब लिखे ए डब्ल्यू, एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रॉ और बेरी. बेरी का बी भी पहले से है. देखिए नंबर सिक्स नंबर उसमें से आ गया है. वो बनाना का बी भी पहले से इधर रिटन है. बी ई बी लिखा हुआ है ग्रेप का. बी ई डबल आर, एक आर आप इस बॉक्स में लिखें. और एक आर पहले से ऑरेंज का भी लिखा हुआ है. इधर लास्ट में वाई लिखें. आई एम रिपीटिंग द स्पेलिंग. स्टार्ट से देखें नंबर टू. S T R A W straw, B E double R Y berry, strawberry. Okay students, number third one, second one sentence downward में है, वो है strawberry का. I am red and juicy, that is strawberry fruit. Okay number three, look at number three. I am yellow and sore. I am yellow and sore. मैं येलो कलर का हूँ. मेरा रंग जो है, कलर जो है वो येलो है. और मैं सोर, मैं तुर्श भी हूँ. सोर मीन्स तुर्श, ठीक है, जो स्वीट ना हो, ठीक है. अच्छा खट्टा भी इसे कह सकते हैं. सोर मीन तुर्श या खट्टा, खट्टी चीज़ी, ठीक है, जिस तरह लेमन्स वगैरह होती हैं. आई एम येलो एंड सोर, ठीक है, वो तो मैंने पहले से बता दिया आप लोगों को. मेरा कलर येलो है और मैं खट्टा हूँ. व्हाट इज़ दैट फ्रूट?
Yes, exactly. That is Laman. Laman is saying these words, that I am yellow and sore. Write down in cross puzzle. Find out number 3. Number 3 ढूंढे. अब देखिए number 3 में पहले से L written है. वो lime का L है और वो वही L हम lemon के लिए भी use करेंगे. L E मेरे साथ E लिखें. L E M O N. N पहले से written है. Banana का एक N इधर use हो गया है. ठीक है. L E M O N lemon. Lemon is saying these words that I am yellow and sore. मैं येलो हूँ, मेरा कलर येलो है और मैं खट्टा हूँ. ठीक है, तुर्श हूँ. अच्छा, नया नाउ द लास्ट वन. आई एम सॉफ्ट एंड साउंड लाइक बीज. आई एम सॉफ्ट एंड साउंड लाइक बीज. अच्छा, अब ये कह रहा है कि दैट सेंटेंस इज सेइंग दैट आई एम सॉफ्ट. मैं सॉफ्ट हूँ मतलब नरम हूँ, नरम हूँ. एंड साउंड लाइक बीज, और मेरी आवाज़ बीज की तरह है. मेरे साथ पढ़े बी ई ए सी एच, बीज. बीच का मतलब क्या है? किनारा, साहिल, समंदर, समंदर का जो किनारा है. लेकिन द फ्रूट इज सेइंग दैट आई एम सॉफ्ट, मैं सॉफ्ट हूँ, नरम हूँ. एंड साउंड लाइक बीज, और मैं जब आप लोग मुझे रीड आउट करते हैं तो मेरी आवाज़ बीज की तरह है. Yes, exactly. There is the last word we have in the box, and that is peach. Mere saath padhi peach. Peach sounds like a beach na. B-E-A-C-H, beach. P-E-A-C-H, peach. Dono ki sound ek jaisi aa rahi hai na. Soft bhi hai aur beach ki tarah. Iski awaaz hai, sound hai. That fruit is called peach. Ab hum isme dhoondenge in crossword mein dekhe. Here is number 5. मेरे साथ स्पेलिंग लिखी. P E हमने लिखा. A पहले से रिटन है. बनाना का एक A इधर रिटन है. अच्छा, हम नीचे लिखेंगे CH. P-E-A-C-H, peach. Peach, the word is peach. ठीक है. Peach कौन सी फ्रूट को कहते हैं? शफ्तालू. ठीक है ना. अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने We have done this crossword puzzle. हमने ये कर लिया. फ्रूट क्रॉसवर्ड था. इसमें हमने सारे फ्रूट्स के नेम जो थे वो इन एम्प्टी बॉक्सेस में फिट कर दी हैं. ठीक है. और आई होप आप लोगों ने ये इन्जॉय किया होगा. रीड द स्पेलिंग्स ऑफ दिस फ्रूट्स एट होम. एप्पल, पेयर, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ग्रेप, ऑरेंज, लाइम, लेमन, पीच. ठीक है. रीड आउट द स्पेलिंग्स ऑफ दिस fruit names. Okay, thank you.